माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशादर्शी नेतृत्व में विगत 9 वर्षों में देश ने सड़क कनेक्टिविटी में भारी वृद्धि देखी है, जिसने केवल शहरों का ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों का भी चेहरा बदलता देखा है। हरियाणा के शहरों में सड़क निर्माण का कार्य काफी तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को गति देते हुए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा जुलाई 2022 में मुकरबा चौक से पानीपत इस 53 किलोमीटर लंबी तथा 2129 करोड़ रुपए निवेश मूल्य की परियोजना का लोकार्पण किया गया था। आज उन्हीं के शुभ कर कमलों द्वारा इसी परियोजना के अंतर्गत पूर्ण हो चुके 890 करोड़ रुपए लागत मूल्य के 11 नए फ्लाईओवर और 3 व्हीक्यूलर अंडरपास का उद्घाटन हो रहा है। 8 लेन वाले इस प्रोजेक्ट में बड़े और छोटे पुल, फ्लाईओवर तथा सड़क किनारे सुविधाओं का निर्माण शामिल है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले इस हाईवे पर वाहन चालकों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है, जिससे दिल्ली और हरियाणा के बुनियादी संरचना में आधुनिकता आएगी, समय और ईंधन की बचत होगी तथा ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। आज श्री नितिन गडकरी जी द्वारा NH 444 पर 4 लेन अंबाला साहा इस 15 किलोमीटर लंबी तथा 155 करोड़ रुपए लागत मूल्य की 4 लेन परियोजना का लोकार्पण तथा हरियाणा की प्रगति को नए आयाम देने वाले भारतमाला परियोजना अंतर्गत नए 23 किलोमीटर लंबे तथा 1100 करोड़ रुपए लागत मूल्य के अंबाला ग्रीन फील्ड रिंग रोड का तथा 1700 करोड़ रुपए लागत मूल्य के 35 किलोमीटर लंबे करनाल ग्रीन फील्ड रिंग रोड का भी शिलान्यास हो रहा है। इन सारी परियोजनाओं से किसान, युवाओं, छात्रों, उद्यमियों एवं जन सामान्यों को विकास के नए आयाम प्राप्त होंगे। भारत की आजादी के अमृत काल में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा दी गई इन परियोजनाओं की ये सौगात न सिर्फ इस क्षेत्र को बल्कि पूरे हरियाणा को देश के मुख्य प्रवाह में सम्मिलित करेगी।